हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम्स। मतलब साइबर क्राइम की तो अभी हम लोग पिछले 3-4 लेक्चर में बात कर चुके हैं, कैसे होता है, क्या होता हैकिंग कैसे होती है, इन सब बारे में। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्लोबल लेवल पे इसको डिस्कस करें कि साइबर क्राइम का ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या इम्पैक्ट है और इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट द टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम। फर्स्ट वी राइट ए ग्लोबल perspective on cyber crimes। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि साइबर क्राइम जो है डे बाय डे बेसिस पे ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है, ये आप जान रहे हैं, एंड दैट इज अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि जो साइबर क्राइम है वो पर्सनली भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी किसी व्यक्ति को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट्स को भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड अफेक्ट कर रहा है काफ़ी हैवली। तो साइबर क्राइम एक्चुअली होता क्या है? साइबर क्राइम इज़ ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोज लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुके हैं। अब साइबर क्राइम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गए, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, मतलब अपनी पहचान छुपा के कोई क्राइम करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके साइबर क्राइम के अंदर आती हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी विल प्रोवाइड ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम इंक्लूडिंग इट्स इम्पैक्ट, प्रिवेलेंस एंड प्रिवेंशन। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जब हम लोग बात करते हैं कि साइबर क्राइम का ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होगा, तो इसमें तीनों चीज़ें आती हैं हमारी कि इसका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, साइबर क्राइम का इम्पैक्ट क्या है, सेकंड चीज़ आती है प्रीवेलेंस, ठीक है, और थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है प्रिवेंशन। ठीक, ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम की। तो देखिए साइबर क्राइम का जो इम्पैक्ट है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और दोनों टर्म में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डैमेज ऑफ रेपुटेशन। तो किसी भी साइबर क्राइम का जो इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस जो होता है सो होता है किसी भी इंडिविजुअल का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट का, साथ ही साथ उसके रेपुटेशन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें तो जो रिपोर्ट जो है दैट वॉज सबमिटेड बाई द सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम वॉज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $600 बिलियन इन द ईयर ऑफ 2017। मतलब आज से 6-7 साल पहले ही हम बात करें, इन द ईयर ऑफ 2017 साइबर क्राइम की जो कॉस्टिंग आई थी, जो इम्पैक्ट आया था, द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम वॉज एस्टिमेटेड अराउंड $600 बिलियन, ठीक है, एंड इसमें वो सारी चीज़ें आ गई थी, सारी कॉस्टिंग। दिस इंक्लूड्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्टोलन एसेट्स, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड रिकवरी फ्रॉम अटैक्स। मतलब इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूड कर ली गई थी, जो स्टोलेन एसेट्स थे, जो कुछ चीज़ें, जो एसेट्स, जो भी वो डेटा इंफॉर्मेशन जो भी चोरी हुआ उसकी कॉस्ट, प्लस जो प्रोडक्टिविटी उससे हर्डल हुई, बाधित हुई, उसकी कॉस्ट, और प्लस उससे रिकवर होने में जो खर्चा हुआ उसकी कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट मिला के करीब $600 बिलियन, ये एक एस्टिमेट किया गया था, एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने इन द ईयर 2017। तो और डे बाय डे जो साइबर क्राइम का जो इफेक्ट है और जो
उसकी हार बोलने से वो बढ़ती जा रही, तो आज के समय में कितनी होगी यू कैन इमेजिन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि केवल फाइनेंशियल लॉस नहीं, इन एडिशन टू फाइनेंशियल लॉसेस साइबर क्राइम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज टू रेपुटेशन, लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साइबर क्राइम से जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो तो होता ही होता है, उसके अलावा जो रेपुटेशन डैमेज होती है प्लस जो लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिसरप्शन होता है उसका भी बहुत हैवी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक, तो ये तो हो गया इसका इम्पैक्ट। अब इसके हम प्रिवेलेंस की बात करेंगे, तो देखिए प्रिवेलेंस में क्या आता है कि साइबर क्राइम इज ए वाइड स्प्रेड इशू दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स हैज बीन स्टेडिली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, मतलब डे बाय डे ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ साइबर अटैक्स जो है एवरी नाउ एंड देन वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं, ठीक है, उसको एक्यूरेट तो कोई फॉर्मूला है नहीं मैथमेटिकल कि आप उसको एक्यूरेट वैल्यू दे सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन एस्टिमेट दैट सजेस्ट दैट अराउंड 3 लैक्स न्यू मालवेयर सैंपल्स बीइंग डिटेक्टेड एवरी डे, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप एक एस्टिमेट लगाएंगे, एक रफ आइडिया लगाएंगे तो करीब 3 लाख, समझ रहे हैं, 3 लाख नए मालवेयर हमेशा डिटेक्ट किए जाते हैं डेली बेसिस पे। न्यू मालवेयर, मालवेयर क्या होते हैं ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हार्म पहुंचाने के लिए ही डिजाइन और कोडिंग की जाती है उनकी, डेली बेसिस पे पर डे बेसिस पे 3 लाख नए मालवेयर जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं। ठीक, अब अगर हम एक स्टडी की बात करें दैट वाज अकॉम्प्लिश इन द ईयर 2020, कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम स्टडी, ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज एक्सपीरियंस्ड बाई ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज बाई 11% बिटवीन 2018 एंड 19, केवल 2018 से और 19 के बीच में जो सिक्योरिटी ब्रीचेस की जो घटनाएं हुई थी उनमें 11% का इजाफा हुआ था, इंक्रीज कर गई थी एक साल के अंदर। दैट्स वाई साइबर क्राइम इज ऑल्सो बिकमिंग मोर सोफिस्टिकेटेड विद द इमरजेंस ऑफ न्यू थ्रेट्स सच एज रैंसमवेयर एंड एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स, मतलब साइबर क्राइम इसीलिए जो है दिन पर दिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, और जैसे जैसे नए नए और आपके जो है डैमेज करने वाले सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते जा रहे हैं, जैसे रैंसमवेयर है, ठीक है, या रैंसमवेयर हो गया, या जैसे आपके जो एपीटीज होते हैं, एपीटीज मतलब एडवांस एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, परसिस्टेंट थ्रीट्स दे आर कॉल्ड एपीटीज, इनकी वजह से साइबर क्राइम डेली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे दिन पर दिन और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। अब इसके बाद बात देखिए, इम्पैक्ट को हमने डिस्कस कर लिया, प्रिवेलेंस को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि साइबर क्राइम से हम कैसे अपने आप को, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो जब जहाँ तक प्रिवेंशन की बात हम करें तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम रिक्वायर्स ए मल्टी फेसेट अप्रोच दैट इंक्लूड्स बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मीजर्स, मतलब अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को अपने आप को साइबर क्राइम से बचाना है तो उसको कई डायरेक्शन में कई मोर्चों पे एक साथ काम करना पड़ेगा, मल्टी फेसेट अप्रोच रखना पड़ेगा। अब उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, टेक्निकल अप्रोच भी और नॉन टेक्निकल अप्रोच भी। टेक्निकल अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जैसे सबसे मतलब बहुत ही आसान ढंग से आप समझ लीजिए कि सबसे पहला तो ये कि ऑल ऑफ वी शुड हैव एन हैबिट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चाहे वो आपका मेल का यूज़र अकाउंट का पासवर्ड हो, चाहे आपका बैंकिंग पासवर्ड हो, चाहे किसी भी तरह के पासवर्ड है, तो उसको आप जो है इजी उसमें मत लीजिए,
जितना स्ट्रांग से स्ट्रांग पासवर्ड आप बना सकते हैं यूजिंग अल्फाबेट्स, न्यूमरल और आपके स्पेशल करेक्टर, जो भी उसमें कॉम्बिनेशन अलाउड है, उससे आप स्ट्रांग से स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए। उसमें आप एनक्रिप्शन का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर्स को रेगुलरली अपडेट करते रहिए, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर को, एज वेल एज आप उनमें एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी यूज कीजिए। ठीक है, तो टेक्निकल अप्रोच में ये चीजें आती हैं कि आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाइए, एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कीजिए, रेगुलरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स को अपडेट करते रहिए, और उसमें जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल डिस्कशन में हम लोग बोलते हैं एंटीवायरस, तो उसको उसी को जन वायरस तो केवल एक काइंड ऑफ हुआ ना आपका मालवेयर, तो यूजिंग एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर। अब एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो काफी हद तक आपके सिस्टम का बचाव हो जाएगा साइबर क्राइम से। ये तो हो गया आपका टेक्निकल अप्रोच। नॉन टेक्निकल अप्रोच में जब हम बात करते हैं, तो नॉन टेक्निकल अप्रोच में चीजें आती है कि वी शुड टेक मीजर्स लाइक रेजिंग अवेयरनेस अबाउट साइबर थ्रेट्स एंड प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन हाउ टू प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। तो नॉन टेक्निकल अप्रोच में ये आता है कि हमें इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली साइबर थ्रेट्स के बारे में अवेयर करता रहना चाहिए, एज वेल एज उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर साइबर अटैक हो गया है या हो जाता है तो उस समय आपको क्या रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, और देखिए ये सब करने में गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो प्ले ए रोल इन प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम बाई एनेक्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन दैट डिटरमाइन साइबर क्रिमिनल्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दियर एक्शन। तो इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उनको ऐसे लॉज बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड और टफ बनाने चाहिए, ताकि साइबर क्रिमिनल्स जो है वो क्राइम करने में उनको डर लगे और क्राइम करने के बाद उनको अकाउंटेबल बनाया जा सके उस क्राइम के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं, अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम्स के लिए बात करें, कि इन कंक्लूजन वी कैन से दैट साइबर क्राइम इज ए ग्रोइंग ग्लोबल इशू दैट रिक्वायर्स ए कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। मतलब साइबर क्राइम, देखिए हम सब लोग जानते हैं कि ये एक ग्रोइंग ग्लोबल इशू है। ठीक है, दिन पर दिन जिसका खतरा बढ़ता जा रहा है, तो हम सबको एक साथ जो है मिलके काम करना होगा, इंडिविजुअल्स को भी, बिजनेस हाउसेस को भी, गवर्नमेंट्स को भी, ताकि हम इससे बचाव कर सके, प्रिवेंट कर सके, एज वेल एज इसके इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को जितना मिनिमाइज कर सके, जितना संभव हो उतना मिनिमाइज कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे लोगों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एजेंसीज में, तो बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव प्रिवेंशन मीजर्स, वी कैन हेल्प टू इंश्योर दैट द इंटरनेट रिमेन्स ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर एवरीवन। तो जब हम साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करेंगे, गवर्नमेंट्स को अवेयर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएंगे कि भाई साइबर अटैक से आपको अपने सिस्टम को, अपने आप को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है, अगर आप नहीं इसको बचा के रखेंगे, नहीं इसको सीरियसली लेंगे, तो क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम इस तरह लोगों को अवेयर करते रहेंगे और करते रेगुलर उस पे रूटीन पे ये काम करते रहेंगे, तो क्या होगा, तो फिर हमें इंटरनेट अभी भी हमारे लिए सेफ प्लेस रहेगा और उसकी जो फैसिलिटीज हैं, उसकी जो जो सर्विसेज हैं, उसको हम लोग आराम से यूज कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइबर क्राइम फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कुछ और डिटेल आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।